के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम आपको दिखाएंगे अपने गांव के कुछ छोटे छोटे जो जगहें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो वो अगर आप सिटी में रहते हैं तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आज हम उसी को दिखाने वाले हैं। ये हमारे गाँव का फेमस पिच जहाँ पे लोग लड़के लोग सब मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और यहीं पे मैच खेलते हैं। साथ में आपको दिखाते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस अपना गढ़िया, जो कि इसमें हम लोग बचपन में खूब नहाए भी हैं, गाय भैंसों को नहलाए भी हैं। अभी इसमें पानी नहीं है, सूख गया है थोड़ा। अभी चलते हैं आगे तरफ, अभी लग रही है। तो अभी चलते हैं आगे तरफ और थोड़ा सा आपको गेहूँ का फसल दिखाते हैं। आटा वाटा तो आप खाते ही हैं, लेकिन गेहूँ उगता कैसे है उसके थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। देसी अनाज तो गाइस ये है यहाँ का गेहूँ, देख सकते हो यहाँ पे जो गेहूं का एक दाना होता है, एक दाना उगता है, ठीक। एक दाने में देखो कितने पेड़ निकलते हैं, एक ही निकलता है ना, एक ही निकलता है। एक दाने में देखो, ये देखो पांच डंठल इसमें निकला है, ठीक। अब ये पांच से इधर निकला है, एक दाने देखो कितने सारे दाने इसके अंदर हैं, देख सकते हो। तो एक दाने का कीमत देख सकते हो, इतना सारा निकलता है। फिर ये बड़ा हो जाएगा, अब ये बड़ा हो गया है, अब ये पकेगा। पकने के बाद में पूरा ये जो हरा हरा दिख रहा है पूरा एकदम पक जाएगा। उसके बाद इसके कंपाइन से कटाई होगी, ये सब अलग हो जाएगा, गेहूं अलग हो जाएगा। गेहूं की खेती हो रखी है सब तरफ, पूरा यहां से लेके उधर तक, बाकी अदर गांव में भी सब। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं नहर जहां पे हम लोग गाय भैंस वगैरह चराने के लिए जाते थे। नहर क्योंकि पहले क्या होता था ना कि उतना ज़्यादा लोगों पर मशीनें नहीं होती थी, तो एक जगह बुलवा जिसको बोलते हैं वहाँ से पानी नहरों के द्वारा सिंचाई वगैरह होती थी। तो पहले के टाइम में नहर चलता था, अभी के टाइम में नहर उतना नहीं चलता है। अभी सबके खेतों में पंप सेट हो गया, वो बोर जो होता है सीजन से सिंचाई होती है। तो गाइस फाइनली हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये कैसा कुआ वाला सिस्टम होता है। तो देखो वो रही मशीन, ठीक, वहाँ से पानी निकलता है, अभी वहाँ चल के दिखाएंगे। उसके बाद वहाँ से पानी आता है, या तो अगर नहर रहता है नहर, वरना पाइप के द्वारा पानी आएगा यहाँ पे। याद रहे उस पास बना हुआ, उस पार जाने के लिए पाइप लगा, पहले पाइप इस पार से आएगा, इधर साइड गिरेगा पानी, इधर गिरेगा फिर नहर में, नहर से पानी फिर जाने लगता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अगर उधर बंद करना होगा तो बीच में बांध बांध देंगे तो पानी इधर जाने लग जाएगा, और इधर बंद करना है तो फिर पानी इधर चला जाएगा, इधर से पूरा उधर सिंचाई होगी। और गाइस ये बिजली से चलता है, जो कि ये बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लाइन यहाँ से आता है, और क्योंकि ये देखो तार जैसे बिछा हुआ वहाँ से लाइन आता है, बिजली से चलता है। इसके अंदर काफ़ी बड़ा सा इंजन लगा होता है, इसके अंदर यहाँ से पानी ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे रास्ता है वहाँ से करके फिर निकलेगा। उसके बाद फिर यहाँ से आराम आराम से पानी जाना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे सब नहाते भी है वैसे सब, और इधर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अभी भट्टे वाला सीन थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, कहते हैं यहाँ पे ईंट वगैरह कैसे बनता है। तो ऐसे जो भट्टे वाले लोग होते हैं ऐसे मिट्टी खरीद लेते हैं खेत की, मतलब जैसे देख सकते हो वहाँ की ऊँची है यहाँ पे खाली, यानी इसकी मिट्टी बेची गई है। ये मिट्टी बेच करके भट्टे वाले आके निकाल ले जाते हैं और फिर ले जाके वहाँ पे ऐसे गाँज लेंगे जहाँ पे उनका ईंट बनाना होता है। अगर देख सकते हो ये ईंट बन के तैयार है, वहाँ पे आगे वो लोग ईंट बना बना के इसको पहले कच्ची मिट्टी का सुखाएंगे ऐसे, ठीक, सुखाते हैं इसको, ये सूख के ऐसे तैयार हो जाता है। फिर ये जाता है वहाँ पे भट्टे में पकने के लिए, फिर वहाँ उसकी पक करके फिर बिकता है। देख सकते हो मिट्टी कैसे लदा पड़ा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ईंटा कैसे बनता है, यहाँ पे ऐसे भैया ही बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत मेहनत से बनता है। गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सांचे में उसको डाल करके फिर बनाया जाता है, ऐसे मिट्टी तैयार की जाती है इसको पहले, मतलब पानी डाल के पहले इस कच्ची मिट्टी को पूरा तैयार करके तब जाके बनता है। ये कुछ ऐसा बना रहता है, इसके अंदर में ईंटा रहता है, ठीक है, ऐसे मकान की टाइप बना रहेगा थोड़ा, इसके अंदर ईंटा रहेगा और ऊपर से ऐसे इसमें ढक्कन जो लगा हुआ है इसके अंदर कोयला डाला जाता है हटा करके, और हफ्ता दिन दस दिन जो भी लगता है इसके अंदर बारी बारी कोयला डाला जाएगा। अभी आँच लग रहा पकेगा ईंटा, ठीक, और ये रहा धुआं निकलने की जगह चिमनी, यहाँ पे सब काम वाम होता है। ईंटा पक जाएगा फिर ले जाकर इसको लगा देंगे, जिस तरीके का ईंटा पक करके निकलेगा, जैसे देख सकते हैं वो ईंटा देखो पका रखा हुआ है, बारिश पे उसको सेव करने के लिए पन्नी डाल करके उसके ऊपर मोरंग डाल दिया गया है। तो अरियन अभी हम लोग आ चुके हैं बगहा ताल पे, और
यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र है इधर का। मन एक चीज़ तो आपको दिखाना रह गया, ये है हमारे स्कूल का गवर्नमेंट, मतलब हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल। पहले हमने यहाँ पर पढ़ाई वगैरह की थी, अभी तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था कुछ खास, अभी ये सब बन गया है, मतलब ये सब बन रहा है और भी अच्छे से सब कुछ। तो अब चलते हैं थोड़ा उधर साइड के एरिया कवर कर लेते हैं, और उधर एक बहुत ही गजब सा सीन अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा, तो चलिए लेट्स गो। यहाँ से हम आपको पहले दिखाते हैं, उधर साइड हम लोग गाय भैंस वगैरह चराते रहते थे, और इधर आके हम लोग ताश पत्ती वगैरह यहाँ बैठ के खेला करते थे, मंडली जम जाती थी। अभी तो ये जुड़ा चमान हो गया, वरना देखने में उसमें बहुत डरावना लगता था, और इसके अंदर जाने का बस यही एक रास्ता था। अब तो इतने रास्ते बना दिए थे गिनती नहीं हो रही। और यहाँ पे लगा था एक पेड़, आम का था शायद, इस पेड़ पर से चढ़ करके हम लोग ऊपर जाते थे, ऊपर से टीन पे चढ़ चढ़ के इधर उधर कूदते फाँते थे, अंदर जाने में डर लगता था। अब कौन से गेट से घुसें, इतने तो गेट बना दें, तो चलो वही मेन गेट से घुसेंगे। और यहाँ पे जो ये सब नज़ारा हो गया, क्या ही बताएं, खतरनाक वाला। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, पहले यहाँ पे मतलब जितना मेरी हाइट उतने गहरे गहरे ऐसे ऐसे करके खाने बने हुए थे यहाँ पे, सब भाट दीन। क्या भैया वर्मा है, सब गायब ही कर दें, डर ही खत्म, आतंक ही ख़त्म कर दें, इतना डर लगता था इसके अंदर। और दूसरा गेट था यहाँ पे, ये बना था रूम, ये रूम का इतना खिड़की दरवाजे कर दें, रूम जैसा रूम नहीं लग रहा, क्या ही ये शायद ये है कुआँ क्या, यही यही यही, ये देखो ये देखो भाई कुएं का भाट दिए है, देखो दीवार दिख रही होगी साइड में, वो देखो ये देखो दीवार दिख रही कुएं की, ये सब कुआं भाट दिए हैं, पेड़ और सब खत्म हो गया है, गेट का हालत देख सकते हो क्या कर दिए हैं। सब बंद कर दिए, ऐसा कुछ है बहुत पहले था ये, अभी तो इसका हालत बहुत बुरा कर दिए हैं सब। इतने गेट बनाए इसके अंदर, कौन से गेट से इंसान घुसे को समझ ही नहीं आ रहा है। खिड़की दरवाजे सब गायब। तो ओके गाइस, काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद में हम लोग आ चुके हैं थोड़ा आगे पूरब की साइड में, पूरब का एरिया, और इधर ही रास्ते में पड़ गया अपना सरसों का पेड़। तो हमने का क्यों ना आपको भी थोड़ा इसके बारे में बता दिया जाए। तो गाइस ये सरसों जो कि बैल कोल्हू, आप लोग समझते होंगे बैल कोल्हू का जो तेल हम लोग का सब्जी फ्राई वगैरह और भी चीज़ों को होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक पेड़ से निकला है इतना मोटा, ठीक एक लाही से, और इतना सारा बन गया है। अब ये जो है पक जाएगा, पक जाने के बाद में पीला पड़ जाएगा, जब पीला पड़ जाएगा यानी पक चुका है, उसके बाद इसको दाया कोटा जो भी जाएगा उससे सरसों अलग कर लिया जाएगा, और बाकी का जो ऊपर का एरिया सब हट जाएगा। सरसों निकालने बाद में अपना पेराई होगा, पेराई होने के बाद में तेल अलग हो जाएगा, उसके बाद में जो बाकी चीज़ है शेष बच जाता है, इसको खली बोलते हैं। खली को क्या करेंगे, गाय वाय भैंस वगैरह खा लेती हैं, और जो तेल होता है हम लोग खाते हैं। तो गाइस ये रहा आम का पौर, इसमें मतलब आम भरेगा, आप देख सकते हैं जो पौर दिख रहा है आपको पीला पीला ना, इसी में एक एक करके आम लटकेगा। और सब तोड़ तोड़ खा लेंगे। रखवाली ना करो तो। वैसे भी गांव में काफ़ी पेड़ बहुत ही कम बचे, मतलब पहले इतना सारा यहाँ पेड़ हुआ करता था, अभी देख सकते हैं पूरा मैदान हो गया, सब काट कूट के सब खेत बना दे रहे हैं, खेत में बुआई जुताई वगैरह हो रहा, आम वाम का पेड़ वगैरह तो बिल्कुल ख़त्म सही हो गया। ओके गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर गाइस।